दोस्तों आज तुम्हारा भाई खुद बोल रहा है कि आज कमा लो, पैसे कमाना है तो आज कमा लो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैं पिछले कई सारे दिनों से बोलता आ रहा हूँ कि भाई अच्छे मैचेस में इन्वेस्टमेंट करो, फालतू मैच में इन्वेस्ट मत करो। मैं आपको कुछ जैकपॉट मैचेस दूंगा, उनमें पैसा इन्वेस्ट करके अपना पैसा जो है आराम से बढ़ा लेना और कमा लेना। तो आज फाइनली मैं दो मैच लेके आऊँ। एक मैच तो जो आप वीडियो देख रहे हो तब तक वो मैच स्टार्ट हो चुका होगा, ऑस्ट्रेलिया वनडे कप का। बाकी ये वर्ल्ड कप का मैच है, ये भी बहुत सही मैच है आज का, अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड का। इस मैच में आप लोग जो है इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा लेना। कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, कौन सी लीग ज्वाइन करनी है, कैसे जीतना है, वो सारी चीज़ें आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर लो। अनुराग द्विवेदी वेरीफाइड चैनल है टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी कहाँ पर पैसा लगाओ। ठीक है, ड्रीम इलेवन पर अगर खेलोगे तो नुकसान हो जाएगा, मैं फिर मुझे ब्लेम मत करना। बट बाकी प्लेटफॉर्म जो है जहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ वहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करोगे, पैसा कमाओगे तो 100% जीतोगे। तो टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर मैंने मैसेज डाला हुआ है, देख लेना। बाकी इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे, कल जो इंडिया मैच हारी है हम उसकी भी बात करेंगे, और उसके भी कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, तो वो उस पर मैं बात करूंगा। और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड का जो मैच प्रीव्यू है, और फैंटेसी क्रिकेट टीम है, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स हैं, और ड्रीम इलेवन टीम प्रेडिक्शन है, और मैच प्रेडिक्शंस हैं, पिच रिपोर्ट है, प्लेइंग इलेवन है, न्यूज़ है, सब कुछ हम यहाँ पर शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलो ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होगा। स्वागत है आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच का, जो इंडिया को इतनी बुरी हार मिली है उसके ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे, फिर हम अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड वाले मैच की बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ इंडिया और पाकिस्तान मैच की, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर आउट करना चाहता हूं। यहां पर जो मैं एंड तक जो भी मैं प्रेडिक्शन जो भी मैं अपनी टीम फैंटेसी क्रिकेट की देता हूं वो मेरी इनिशियल टीम होगी, ठीक है। फाइनल जो मेरी टीम है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। 3,90,000 लोग वहां पर जुड़े हुए हैं, आप भी जाकर के जुड़ जाइए। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वेरीफाइड चैनल है, ब्लूटिक लगा हुआ है, और ठीक है 3,90,000 लोग जुड़े हुए वहाँ पर। मैं आपको रोजाना 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए के गिव अवे देता हूँ। कल तो 12 लाख का गिव अवे था, ठीक है। रोजाना आपको 1-1, 2-2 लाख का मैं वहाँ पर गिव अवे देता हूँ, जहाँ पर आप फ्री में अपना अपनी टीम बना के कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो और ढेर सारा पैसा आप कमा सकते हो। और वहाँ पर अपनी फाइनल ड्रीम इलेवन टीम, फाइनल सारे फैंटेसी प्लेटफॉर्म की टीम मैं वहाँ पर देता हूँ टॉस के बाद, जिससे आप लोग लाखों रुपये करोड़ों रुपये विन करते हो, ठीक है। तो चलिए बाकी टेलीग्राम की बात होगी, अभी मैं गिवअवे के बारे में बताता हूँ। जो हमने लास्ट वीडियो में गिवअवे किया था कि हमने आप लोगों को बोला था कि एक भाई हमारे यहाँ पर, एक भाई जो है वो एक बाइक विन करेंगे, एक भाई आईफोन विन करेंगे, तो जी हाँ दो विनर्स आए हुए हैं और जो तीसरा विनर था कोई बना नहीं, तो उन दोनों विनर्स के नाम मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। और इस वीडियो में भी गिवअवे है, ठीक है। वो गिवअवे कैसा है कि आपको पूरा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है, और वीडियो के बीच में ही मैं आप लोगों से 3 सवाल पूछूंगा, तीनों सवालों का आपको जवाब देना है। अगर आपका जवाब सही निकल जाता है तो आप विन करेंगे एक नॉइस का हेडफोन, नॉइस का ईयरबड्स और नॉइस की स्मार्ट वॉच, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना, अच्छा लगेगा आपको, मुझे पक्का भरोसा है, ठीक है। और बस शर्त यही है कि वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की। तो दोस्तों कल क्या हुआ, कल इंडिया 10 विकेट से मैच हारी, ठीक है। और हाल क्या है मैं बताता हूँ, एक गाना गाकर बताता हूँ। शीशे का था दिल हम सब का, पत्थर जैसा मैच था, दिल टूट गया, ठीक है। तो क्योंकि यार हमने उम्मीद नहीं करी, हम यार चलो ठीक है, जब जल्दी रोहित शर्मा आउट हो गया, राहुल आउट हो गया, तो हमने ये तो उम्मीद करी थी चलो ठीक है इंडिया एटलीस्ट फाइट तो करेगा। 151 रन मारने के बाद हमने ये उम्मीद करी थी इंडिया फाइट करेगा, मैच आखिरी तक जाएगा। बट इंडिया की टीम एक भी विकेट नहीं ले पाई। आप लोग थोड़ा नाराज हो गए, सबका दिल सब लोग थोड़े मायूस हो गए, क्योंकि इंडिया बहुत बुरी तरह से हारी है, ठीक है। लेकिन मैं कुछ बातें आप लोगों से कहना चाहता हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लोकेश राहुल जिस बॉल पर आउट हुआ था वो बॉल नो बॉल थी, ठीक है। लोकेश राहुल जिस बॉल पर आउट हुआ था वो बॉल नो बॉल थी, ठीक है। विराट को क्योंकि वो जो क्रीज है, क्रीज के आगे जो है उसका उसने पैर की जो लैंडिंग हुई थी शाहीन अफरीदी की, वो क्रीज के आगे हुई थी, तो फुटस्टेप की वजह से वो नो बॉल थी। फिर जब विराट कोहली जो आउट हुआ था उस वक्त भी 6 खिलाड़ी 30 yard सर्कल के बाहर खड़े हुए थे और वो बॉल भी नो बॉल थी। हालांकि जैसे विराट कोहली आउट हुआ मैंने टेलीग्राम पर मैसेज डाला था यार ये तो यार क्या हो गया, तो 6 खिलाड़ी बाहर खड़े हुए हैं। बट
उसी के जस्ट एक बॉल बाद अंपायर ने चीज नोटिस करी और नो बॉल करा दी। लेकिन जिस बॉल में विराट कोहली आउट हुआ तो विराट कोहली ऑलरेडी जा चुका था, तो विराट कोहली का आउट नहीं बनता था, राहुल का आउट नहीं बनता था। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे, इंडिया की किस्मत ही बुरी थी। अच्छा एक चीज और बताओ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भुवनेश्वर कुमार की जगह पर क्या शार्दुल ठाकुर की जगह नहीं बनती थी? क्यों भाई, भुवनेश्वर कुमार ना अच्छे फॉर्म में है, ना उसकी लाइन लेंथ अच्छी जा रही, कुछ अच्छा रिसेंटली परफॉर्म भी नहीं किया है। और रही बात शार्दुल ठाकुर की, तो शार्दुल ठाकुर क्या है कि पिछले अगर 6 महीने आप देखो, पिछले 6 महीने में कम से कम 8 बार ऐसा हुआ कि शार्दुल ठाकुर ने एक ही ओवर में 2 विकेट लिए है। लगातार जब भी खेल रहा है विकेट बंदा लेता जा रहा है, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस देता जा रहा है, बहुत अच्छे फॉर्म में है, बहुत अच्छा करता आ रहा है। तो क्यों नहीं शार्दुल ठाकुर की भुवनेश्वर कुमार की जगह पर शार्दुल ठाकुर को जगह मिली, क्यों नहीं मिली? तो एक बात और, हार्दिक पांड्या ने मैच से पहले बोला था कि मैं बॉलिंग नहीं करूंगा। तो यार एक चीज बताओ आप, जब हार्दिक पांड्या, आपको पता है कि हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं करेगा, बॉलिंग के लिए फिट नहीं है, तो आप और वो आप जानते हैं कि हार्दिक पांड्या आउट ऑफ फॉर्म है, तो क्यों नहीं आपने हार्दिक पांड्या की जगह पर ईशान किशन को मौका दिया? ईशान किशन को अगर मौका देते तो यार शायद कुछ अलग बात बनती। यार ईशान किशन, हालांकि बहुत ज़्यादा बॉल नहीं खेलने को मिली हार्दिक को भी, बट ईशान किशन का क्या है कि ईशान किशन बहुत अच्छे फॉर्म में है, उसने भी रन आईपीएल में भी रन किए, यहाँ पर भी रन किए, तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में है ईशान किशन। ठीक है, तो ये मुझे लगता है ये जो होना चाहिए था। और एक बात और बोलना चाहूँगा वो ये कि देखो भाई, ऐसा है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के सामने आप कब तक स्ट्रगल करोगे, कब तक स्ट्रगल करोगे? देखो क्योंकि यार ऐसा है ना, आप अगर 2015 का वो सेमीफाइनल देख लो, इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मिचेल जॉनसन, मिचेल स्टार्क ने बहुत तंग किया। ठीक है, आप चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देख लो पाकिस्तान के अगेंस्ट, मोहम्मद आमिर ने टॉप के तीनों बल्लेबाजों को उड़ा दिया, धवन हो गए, रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए। ठीक है, अभी आप कल वाला मैच देखो, फिर से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी, रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, विराट कोहली, तीनों को का विकेट उसी ने लिया। तो यार क्यों नहीं इस पे हम सुधार करते हैं, क्यों नहीं टीम इंडिया थोड़ा वर्कआउट कर रही है इस चीज़ पर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के सामने जब जो भी मेन मैच होता है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आके मार लेता है, मतलब ये चीज़ है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी रही बात पाकिस्तान जो मैच जीती है, यार मैं एक क्रिकेट की जो मैं इज्जत करता हूँ, मैं उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है। मतलब पाकिस्तान की टीम वालों ने भी ये उम्मीद नहीं करी होगी कि पाकिस्तान की टीम इतना अच्छा खेलेगी, बहुत अच्छा क्रिकेट खेली है। और मैं मतलब जिस तरह का गेम पाकिस्तान की टीम ने कल खेला है, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम डिजर्व करती फाइनल में जाना। यार इंडिया को 10 विकेट से हराना बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो, बहुत अच्छे स्प्रिट के साथ, बहुत क्योंकि भाई बहुत प्रेशर होता है जब आप एक ऐसा नेशन जो आप 5 में 5 मैच हार चुके हो ऑलरेडी, आप जानते हो रिकॉर्ड बड़े मतलब बड़े आपके रिकॉर्ड्स आपके खिलाफ हो, मीडिया पे आपके आपके जो है आपको थोड़ा आपको मजाक बनाया जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके बावजूद ही आके परफॉर्मेंस देना, नर्वस ना होना, अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना, फिर क्रिकेट खेलना, काफ़ी अच्छा क्रिकेट पाकिस्तान की टीम खेली है। और इंडिया के बारे में भी कुछ बोलना चाहूँगा, टीम इंडिया, देखो टीम इंडिया एक चैंपियंस की टीम है, चाहे आप लोकेश राहुल की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात करें, चाहे रवींद्र जडेजा की बात करें, बुमराह की बात करें, शामी की बात करें, किसी की भी आप बात करें, सूर्यकुमार यादव की बात करें, ऋषभ पंत की बात करें, सब चैंपियन प्लेयर्स हैं। और चैंपियंस वही होते हैं जिनको पता होता है कि कमबैक कैसे करना है। अभी अब जो हो गया सो हो गया, कभी कभी हार से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, तो कभी कभी हारना भी जरूरी है वरना ईगो आ जाता है, ऐसा विराट कोहली कहते हैं। तो कोई बात नहीं, इंडिया टीम हार गई कोई बात नहीं, होता है, हर मैच आप नहीं जीत सकते, वो भी अच्छी टीम है, वो अच्छा क्रिकेट खेले, वो जीत गए, आपका दिन नहीं था। और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जैसे राहुल का विकेट और विराट कोहली का विकेट जो कि नो बॉल पर मिला, तो किस्मत भी आपके साथ नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आगे के जो मैचेस हैं मैं ऑल द बेस्ट बोलूंगा टीम इंडिया को, और टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगी, मुझे पूरा भरोसा है कि टीम इंडिया फाइनल तक जाएगी। ठीक है, एटलीस्ट सेमीफाइनल तक मैं गारंटी दे सकता हूँ टीम इंडिया जाने वाली है और जीतेगी। ठीक है, हम सब सपोर्ट करेंगे, हम सब प्यार करेंगे। ठीक है, चलो अभी सब ये तो बात होगी मैचेस की बात होगी, अभी हम बात करते हैं जो आज मैच होने वाला है अफगानिस्तान स्कॉटलैंड का, उसकी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों कल अपनी वीडियोस में मैंने और टेलीग्राम पर मैंने आप लोगों से बताया हुआ था कि देखो यार, टेलीग्राम पर मैंने बोला था कि असलंका, श्रीलंका का प्लेयर है चरित असलंका, मुझे लग रहा है मारेगा, उसने मारा। मैंने मुशफिकर रहीम का भी बोला था कि मारेगा, मैंने उसको वाइस कैप्टन बनाने के लिए भी आप लोगों से बोला था, मैंने बनाया भी था, और मुशफिकर रहीम ने भी उसने भी रन मारे। मैंने विराट कोहली का बोला था कि विराट कोहली तो मतलब पक्का मारेगा टीम इंडिया में, और कोई मारे चाहे ना मारे, विराट कोहली ने भी रन बनाए थे। मैंने मोहम्मद रिजवान का बोला पाकिस्तान की टीम से मोहम्मद रिजवान का रन बनाने वाला है, ये पक्का है, भली बाबर आजम आउट हो जाए बट मोहम्मद रिजवान पक्का मारने वाला है।
और मोहम्मद रिजवान ने मारा। मैंने ये भी बोला था शाहीन अफरीदी और हसन अली ये दोनों बॉलर पाकिस्तान के लिए विकेट लेंगे, अगर पहले बॉलिंग करती पाकिस्तान की टीम पक्का विकेट लेंगे, और इन दोनों ने विकेट लिया, हसन अली ने दो लिए और शाहीन अफरीदी ने तीन लिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रेडिक्शन थे जो कि लास्ट मैच में अच्छे गए थे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ भाई प्रेडिक्शन के वाले फॉर्म में अपने वापस आ चुका हूँ, और इस वीडियो में भी आपको गजब गजब के प्रेडिक्शन देने वाला हूँ। तो हम बात करेंगे यहाँ पर अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड की प्लेइंग 11 की। सबसे पहले हम बात करेंगे, उससे पहले बता देना चाहता हूँ कि माई 11 सर्कल ऐप पर आप लोगों ने अगर अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया तो तुरंत जाके बना लो, क्योंकि माई 11 सर्कल ऐप पर क्या है, आपको 1500 रुपये का तुरंत बोनस मिल जाएगा डाउनलोड करने पर मेरे लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। और माई 11 सर्कल पर जितनी बार भी टीम इंडिया मैच जीतेगी उस मैच में आपको आप जो कैश प्राइज जीतोगे वो आपको डबल मिलेगा, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, इंडिया को ऐसे सपोर्ट करते हैं, हमारे इंडिया में बिजनेस मॉडल्स भी इस तरह से सपोर्ट करते हैं टीम को, इतने अच्छे देश में हम रहते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, और बाकी जो आप पहला डिपॉजिट करोगे माई 11 सर्कल ऐप पर तो आपको 20% का एक्स्ट्रा कैश मिलेगा आपके पहले डिपॉजिट पर। और दोस्तों बताना चाहता हूँ कि माई 11 सर्कल पर इस वर्ल्ड कप में मेगा सीरीज लीडर बोर्ड भी चल रहा है, उसमें क्या है कि आपको हर मैच में मेगा लीग आपको खेलनी है एक। ठीक है, आप जो आपकी बेस्ट टीम होगी उसके पॉइंट कैलकुलेट किए जाएंगे, और वर्ल्ड कप के खत्म होने तक अगर आप मेगा लीडर बोर्ड में अगर आप फर्स्ट आते हो तो आपको 1 करोड़ का प्राइज फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात है, तो प्लीज़ वीडियो को भी देखते रहो, आगे चल के मैं आपको याद दिला दूंगा माई 11 सर्कल का ऐप आप डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 की। तो अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मोहम्मद शहजाद, हजरतुल्ला जजाई, रहमतुल्ला गुरबाज, अशगर अफगान, नजीबुल्ला जजरान, मोहम्मद नाबी, राशिद खान, और फिर है कारिम जनत, गुलाबदीन नैब, मुजीबुर रहमान और नवीन उल्लक। ये होने वाली है प्लेइंग 11 अफगानिस्तान की। अगर मैं बात करूँ स्कॉटलैंड की प्लेइंग 11 की तो आप देख सकते हैं जॉर्ज मुंसी, काइल सोल्जर, मैट क्रॉस और रियान बेरिंगटन, कैलम मैक्लोइड, माइकल लीस और सी ग्रीस हैं, मार्क वॉट हैं, एक्चुअली लैपटॉप आ थोड़ा दूर रखा हुआ है, देन जॉर्ज डेवी और देन सफियान शारिफ हैं और वील है। तो ये जो प्लेइंग 11 है ये होने वाली स्कॉटलैंड की प्लेइंग 11। अभी हम बात करेंगे दोस्तों जो हमारी लास्ट वीडियो की, जो हमारे गिवअवे के विनर्स थे, किस बंदे ने बाइक जीती, किस बंदे ने आईफोन जीता। देखो दो ही विनर हैं तो ट्रिप तो कोई जीता नहीं, अच्छा हुआ कोई नहीं जीता, बड़ा झमेला वाला वो था। ठीक है, तो दो विनर्स हैं, पहले विनर हैं समीर खान, जिनका कॉमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इन्होंने एकदम सही आंसर दिया। ठीक है, और ये जीत चुके हैं एक बाइक। बाइक कौन सी है मैं बताता हूँ, बाइक 1 लाख से 1.5 लाख की रेंज में जो भी बाइक है, या तो मैं बुलेट दूंगा। ठीक है, और मेरी तरफ से 99.9% यही है कि मैं बुलेट इनको देना चाहूंगा। तो समीर खान भाई, आपको हमारी टीम ने मैसेज कर दिया होगा अब तक, आप प्लीज उस मैसेज पर रिप्लाई करिए अपने यूट्यूब पे कॉमेंट पे, और आइए लखनऊ, आइए बाइक लीजिए। ठीक है, तो ये चीज है, अगर पास के होते तो लखनऊ आ जाइए, वरना वहाँ पर जाएंगे, वहीं पर हमने यहाँ से NEFT बैलेंस कर देंगे और आप बाइक हमारी तरफ से खरीद लेना। ठीक है, सचिन यादव भाई हैं, सचिन यादव तो ये भाई आईफोन 13 जीते हैं, इन्होंने सबसे पहले समीर भाई ने कमेंट किया था, तो ये विनर है, फर्स्ट विनर यही है, सेकंड जो सही विनर है वही है सचिन यादव भाई। सचिन यादव भाई आप भी विनर हैं, तो आपने जीता आईफोन 13, आपका आईफोन 13 हम यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, आप प्लीज़ अपने कमेंट पर हमें रिप्लाई कीजिए। ठीक है, आपका आईफोन आपके एड्रेस पर हम यहाँ से ऑर्डर करेंगे, आपका आईफोन आपके घर पर पहुँच जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने भी कल आईफोन खरीद लिया, आईफोन 13 फाइनली, दो किडनी मैंने अपनी बेची तो 13 प्रो मैक्स मैंने खरीद लिया है तो अभी भाई को भी गिफ्ट करना है तो दूसरा खरीदना पड़ेगा, या फिर देखूंगा अगर मेरा मूड बना तो मैं अपने ही वाला दे दूंगा, मैं पुराना ही चलाऊंगा। चलो दोस्तों, ये होगी गिवअवे के विनर्स की बात। अगर आप भी विन करना चाहते हैं, आज खैर आईफोन और बाइक नहीं मिलेगी, आज आपको थोड़ा और भी और प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने पहले बताए वो मिलेंगे, बट मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी पूरा वीडियो ध्यान से देखिए शुरू से लेकर एंड तक, आपको सवाल से मैं सवाल पूछूंगा उसका आप जवाब दे देना और आंसर करके जीत लेना। अगर हम दोस्तों बात करें शारजा की पिच रिपोर्ट की, मैच शारजा में खेला जाएगा, देखो पिच न्यूट्रल है, बैट्समैन को भी सपोर्ट करती है, बॉलर्स को भी सपोर्ट करती है। बॉलर्स को कैसे कि बॉलर्स को देखो, बॉलर्स में स्पिनर्स को भी सपोर्ट करती है, फास्ट बॉलर्स को भी सपोर्ट करती है, बाउंस भी ठीक ठाक है, कभी कम कभी ज़्यादा, स्पिनर्स को टर्न भी मिल जाता है। देन बैट्समैन को कैसे सपोर्ट करती है, बैट्समैन अगर यहाँ पर टिक जाता है, दो चार ओवर खेल जाता है, वो सेट हो जाता है, तो बैट्समैन बहुत अच्छा खेल जाता है। जैसे आप नईम शेख को आप देख लो, कल उसने अच्छा खेला, रहीम ने पहले सेट हुआ उसके बाद अच्छा खेला, फिर आपका ये असलंका पहले सेट हुआ अच्छा खेला, रजापक्सा आया दो ओवर खेला सेट हुआ फिर उसने अच्छा खेला, तो बैट्समैन के लिए भी काफ़ी सही है। ओपनर्स के विकेट यहाँ पर जाएंगे इस मैच में,
कोई ना कोई ओपनर तो आउट होगा, कौन आउट होगा मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो ये पिच है, यहाँ पर आप 150 से प्लस स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, छोटी बाउंड्रीज भी हैं एक साइड पे, तो बहुत ही छोटी बाउंड्री है, तो ठीक है ग्राउंड। बाकी अगर हम बात करें दोस्तों प्रैक्टिस मैच जो हुए हैं दोनों टीमों के, उनमें से जो हाइलाइट्स मैं आपको बताता हूँ, अफगानिस्तान ने दो प्रैक्टिस मैच खेले हैं, उनमें से मोहम्मद सजार ने दो मैचों में 57 रन किए अच्छे फॉर्म में, जजाई ने दो मैच में 56 रन किए अच्छे फॉर्म में, गुरबाज भी दो मैच में 52 रन किया ये भी अच्छे टच में है, मुजीबुर रहमान ने दो मैचों में 3 विकेट लिए हैं, और मोहम्मद नबी ने दो मैचों में 4 विकेट लिए हैं, नवीन उलग ने दो मैचों में 2 विकेट लिए हुए हैं। ये हाइलाइट्स हैं अफगानिस्तान के प्रैक्टिस मैच के स्टैट्स की। उसके बाद अभी हम बात करेंगे स्कॉटलैंड के बारे में, उससे पहले मैं अपना गिवअवे का दोस्तों पहला सवाल पूछ लेता हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि आज जो अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच है, इस मैच में टोटल कितने विकेट गिरेंगे, ठीक है। तो आपको आंसर करना है टोटल विकेट, फिर आपको आपको आंसर लिखना है। तो पहले सवाल का आप जवाब जो है टोटल विकेट्स लिख के ऐसा करना, ठीक है। पहले सवाल का जवाब आप कमेंट में लिख लो, आगे मैं आपसे दो सवाल और पूछूंगा उनका भी जवाब लिख देना, और एक साथ तीनों सवालों का जवाब कमेंट कर देना, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया लाइक नहीं किया तो कोई प्राइज़ नहीं मिलने वाला। देन अभी हम बात करते हैं स्कॉटलैंड के प्लेयर्स के जो हेड टू हेड मैचेस में क्या है, जॉर्ज मुंसी ने दो मैचों में 82 रन किए हैं, ठीक है अच्छे फॉर्म में, मैट क्रॉस ने दो मैच में 72 रन किए ये भी अच्छे फॉर्म में, कैलम मैकलॉयड ने दो मैचों में 40 रन बनाए, बहुत नीचे बैटिंग कर रहा है, बट लेना है, कब लेना है मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर माइकल लीस ने दो मैचों में 36 रन बनाए प्लस एक विकेट भी लिया है, और ग्रीव्स ने दो मैचों में 4 विकेट लिए, ग्रीव्स ने भी रन बनाया एक मैच में तो 45 रन बनाया, तो ये भी एक अच्छा ऑलराउंडर है। मार्क वॉर्ड ने दो मैचों में 6 विकेट लिए हुए हैं, तो मार्क वॉर्ड भी काफी अच्छे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, काफी सही बॉलर है, ठीक है। अभी दोस्तों हम बात करते हैं फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, क्या है फैंटेसी क्रिकेट टिप्स इस मैच की जो मैं आपको लोग को बताना चाहता हूँ। उससे पहले बताता हूँ माई ओन सर्कल के ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ जिन लोगों ने नहीं डाउनलोड किया डाउनलोड कर लो उसका, ठीक है लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स मिल जाएगा, फ्री के 1500 रुपये का बोनस मिल जाएगा, पहले डिपॉजिट पर 20% का एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा, और इंडिया वाले मैच में जब जब इंडिया जीतेगी आपको डबल कैश प्राइज मिलेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लेना। फैंटेसी क्रिकेट टिप्स सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैट क्रॉस और मोहम्मद शहजाद ये अच्छे हैं विकेट कीपर, इंपॉर्टेंट है, उसका रीज़न क्या है, देखो शहजाद क्या अगर शहजाद पावर प्ले भी खेल जाता है तो वो 20 बॉलें खेल के 35-40 रन बना के चला जाएगा, मैट क्रॉस अच्छे फॉर्म में है तो ये तो जरूरी है ही आपकी टीम में, ठीक है। फिर स्कॉटलैंड की टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो कैलम मैकलॉयड को आप अपनी टीम में रख सकते हो, इंपॉर्टेंट रहेगा, मजा आएगा, फॉर्म में भी है और बैटिंग आ जाएगी आराम से, कैलम मैकलॉयड आपका ट्रंप हो सकता है। देन स्कॉटलैंड की टीम अगर सेकेंड इनिंग बॉलिंग करती है तो सी ग्रीव्स और मार्क वॉर्ड दोनों को आप लेना, दोनों स्पेशल होने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद दोनों स्पेशल होंगे। और उसके बाद स्कॉटलैंड टीम अगर पहले बॉलिंग करती है तो ये बी व्हील जो बॉलर है और जॉर्ज जेवी जो है ये थोड़ा स्पेशल रहेंगे, ठीक है, इनको जरूर पिक करना, हालांकि डेवी की जगह पर आप ग्रीव्स को और मार्क वॉर्ड को रख लेना और साथ में बी व्हील को ट्राई करना अगर पहले बॉलिंग करें। मुंसी एक देखो जॉर्ज मुंसी एक हिट एंड मिस प्लेयर है और काइल स्कोर्जा जो है वो एक अच्छा बैट्समैन है, ये बता रहा हूँ, मुंसी फॉर्म में है बट एक हिट एंड मिस प्लेयर है, ठीक है। उसके बाद डोंट ड्रॉप राशिद खान एंड मुजीबुर रहमान इन एनी कंडीशन, अफगानिस्तान की तरफ से आप राशिद खान और मुजीबुर रहमान को आप मत ट्राई करना, अगर आपको रिस्क लेने का गुदा मतलब रिस्क लेने की चुल्ल मची है तो आप मोहम्मद नबी को ड्रॉप कर सकते हो, अगर मोहम्मद नबी सेकेंड इनिंग में अगर बैटिंग करता है और फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग करता है तो आप मोहम्मद नबी को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ज़्यादा सामने है नहीं, शायद मोहम्मद नबी हो सकता है बॉलिंग ना भी कराए, ठीक है, वैसे कराएगा मुझे लगता है बट हो भी सकता है ना कराए, तो आप रिस्क लेना है तो मोहम्मद नबी को ड्रॉप कर सकते हो अगर अफगानिस्तान की टीम सेकेंड इनिंग में अगर बैटिंग करे इस वजह से, पहली इनिंग बॉलिंग करे तब, ठीक है, ओके। बाकी एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अफगानिस्तान की टीम अगर पहले बॉलिंग कराती है तो नवीन उलग को आपको रखना ही रखना है राशिद खान और मुजीबुर रहमान के साथ, ठीक है, नवीन उलग को मतलब रखना ही रखना है अगर अफगानिस्तान टीम पहले बॉलिंग कराती है। देन मोहम्मद शहजाद भी हिट एंड मिस प्लेयर है, जैसे मुंसिक बोला वैसे मोहम्मद शहजाद हिट एंड मिस प्लेयर है, ये पहले बैटिंग करते हुए तो मोस्टली अच्छा करता है बट सेकेंड इनिंग बैटिंग करते हुए थोड़ा मतलब ऐसा है आपके ऊपर, अगर आपको लगता है मार जाएगा तो वो ठीक है रख लेना, अगर आपको लगता है कि आउट हो जाएगा तो आप देख लो आपको क्या करना है, ग्रैंडली में तो मैं कहूँगा आपको ड्रॉप करने को। बाकी अफगानिस्तान की टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो जैसे उधर कैलम मैकलॉयड वैसे यहाँ पर नाजीबुल्ला जदरान मैं बहुत अच्छे जानता हूँ, बहुत बढ़िया बैट्समैन है, बहुत अच्छा हिटर है, अगर अफगानिस्तान की टीम अगर पहले बैटिंग करे तो नाजीबुल्ला जदरान को अपनी टीम में रख सकते हो आप, ये आपके लिए ट्रंप मूव हो सकता है जैसे मैकलॉयड, ठीक है। अभी हम बात करते हैं मैच प्रेडिक्शंस की, मुझे क्या लग रहा है आज के मैच में क्या होगा, लेकिन उससे पहले गिवअवे का मैं अपने दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ आज की वीडियो का, दूसरा सवाल ये है आज के मैच में राशिद खान कितने विकेट लेगा, ठीक है, तो आपको लिखना है राशिद खान, फिर आपको लिखना है जैसे 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट जो भी आपको लिखना है, ठीक है, विकेट की स्पेलिंग से ही लिखना, ओके, तो ये चीज़ है।
दूसरा सवाल मैंने पूछ लिया, अभी मैं आपसे आगे एक और सवाल पूछूंगा उसका भी जवाब आपको एक ही साथ कमेंट में लिख के एक साथ कमेंट कर देना है। बस प्लीज़ याद रहे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम बात करते हैं दोस्तों मैच के प्रेडिक्शंस के बारे में, मुझे क्या लग रहा है। देखो काइल सियोजर और मैट क्रॉस ये दोनों और गुरबाज और ये हजरतुल्ला जजाई ये चार प्लेयर मुझे लग रहे हैं चारों प्लेयर आज मैच में रन बनाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद शहजाद और जवाद मुंशी ये दोनों तभी स्कोर कर सकते हैं जब ये जो भी इनमें से पहले बैटिंग करता है, ठीक है। बाकी के दिल से बोलता हूँ, दिल से मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लॉप होने वाला है, ठीक है ऐसा, बट मैं अपनी टीम में रखूंगा, दोनों को रखूंगा। स्मॉल लीग टीम में तो बिल्कुल रखूंगा, स्मॉल लीग में रिस्क नहीं लूंगा, ग्रैंड लीग में रिस्क ले लूंगा। बाकी नाजीबुल्ला जदरान और कैलन मैकलॉयड ये दोनों रन बना देंगे आज, जो भी पहले बैटिंग करता है रन बनाएंगे, मुझे ऐसे गेट फीलिंग आ रही है और ये सही होगी, ठीक है। देन राशिद खान और मुजीबुर रहमान ये विकेट लेंगे अफगानिस्तान के लिए, पक्का लेंगे, और नवीन उलक भी विकेट लेगा अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बॉलिंग करती है, ठीक है। फिर ग्रीव्स और मार्क वार्ड ये विकेट लेंगे, स्कॉटलैंड के लिए विकेट लेंगे ये, और बी वील भी विकेट लेगा अगर स्कॉटलैंड की टीम पहले बॉलिंग करती है। उसके बाद अफगानिस्तान ये मैच जीतेगा तो अपनी फैंटेसी क्रिकेट की जो टीम है स्मॉल लीग की टीम अफगानिस्तान के फेवर में ही बनाना, ठीक है, ये बात मेरी मान लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक और टिप देना चाहूँगा, ग्रैंडिंग जो लोग खेल रहे हैं आप लोग स्कॉटलैंड के फेवर में टीम बना दो कि स्कॉटलैंड मैच जीते उस हिसाब से आप टीम बनाओ, ठीक है, आपको अच्छी रैंक मिलेगी अगर स्कॉटलैंड मैच जीत गई, रिस्क लेना तो ऐसे लो, ठीक है। तो ये होगी हमारी मैच प्रेडिक्शन की बात। अभी हम बात करेंगे माइलियन सर्कल टीम के बारे में, जो मैंने टीम बनाई हुई है आज के मैच की माइलियन सर्कल की, मेरी टीम बहुत अच्छे, समझ लो बहुत अच्छा लगेगा आपको, सुनो जरा ध्यान से, आप स्क्रीन पर बातों को ध्यान सुनो, आप स्क्रीन पर देख सकते हो मेरी टीम, मैंने लिया है रमुल्ला गुरबाज को लिया, मैट क्रॉस को लिया हुआ है, फिर मैंने हजरतुल्ला जजाई को लिया, काइल सियोजर को लिया, दो ही बैट्समैन मैंने लिए हुए, एक ऑलराउंडर मैंने लिया है मोहम्मद नाबी को लिया हुआ है, बाकी बॉलर मैंने फिलहाल छह लिए, एक व्हील को लिया है, मार्क वॉट को लिया है, और मुजीबुर रहमान को लिया है, राशिद खान को लिया है, और नवीन उलहक को लिया है, और ग्रीव्स को लिया हुआ है। तो ये मैंने छः मैंने बॉलर्स ले रखे हैं। अब देखो होगा क्या, अब ऐसा है अगर अफगानिस्तान की टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो मैं यहाँ पर मोहम्मद शहजाद को तो मैं रखूंगा अपनी टीम में, ठीक है, रखना ही रखना है, और अगर मैं रिस्क लेना चाहूंगा तो मैं नजीबुल्ला जदरान को भी ऐड कर दूंगा अगर अफगानिस्तान की पहले बैटिंग करती है। हटाऊंगा किसको, नवीन उलहक को हटाऊंगा और मोहम्मद नाबी को हटाऊंगा, ठीक है ये चीज़। बाकी अगर और अगर यहाँ पर पहले बैटिंग करती है स्कॉटलैंड की टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो फिर मैं यहाँ पर जॉर्ज मुंशी को और कैलम मैकलॉयड को अपनी टीम में रख लूंगा। हटाऊंगा किसको, हटाऊंगा मैं यहाँ से व्हील को हटाऊंगा और व्हील को और मार्क वॉट, इन दोनों में से कोई एक हटाऊंगा, ठीक है, तो और दोनों में से कोई एक मैं रख लूंगा, ये भी चीज़ है, ये चेंजेस है। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने क्यों किया हुआ है राशिद खान को और विल को, देखो वैसे तो मैं आपको बताऊं तो मुझे लग रहा है जजाई सियोजर मैट क्रॉस और गुरबाज ये चारों अच्छे बट ये बैट्समैन है और ऐसे मैचेस में विकेट बॉलर्स को विकेट मिलते हैं तो मतलब बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन करना थोड़ा सेफ रहता है। बाकी मैं सिचुएशन के हिसाब से मैं चेंज भी कर दूंगा, फिलहाल मैं राशिद खान को किया हूं और विल को किया हूं, ये है मेरा मतलब कोई भाई पक्का नहीं, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जो मैं फाइनल टीम दूंगा तो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, मेरा कौन सा कैप्टन वाइस कैप्टन, मैं अपनी टीम ही भेज दूंगा। तो ये मेरी इनिशियल टीम है, बाकी आपको पता है ना फाइनल टीम कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लो, 390,000 लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ पर आपको 1-2 लाख रुपये का गिव अवे हर रोज मिलेगा, ठीक है, और साथ में मेरी टीम बहुत सारी चीज़ें। चलो बाकी ये जैकपॉट मैच है तो कहाँ पर खेलना है, कैसे, कौन सी कॉन्टेस्ट में पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, कमाना है अगर, तो जाओ टेलीग्राम पर मेरा मैसेज देख लेना, ठीक है, ओके, मैसेज मैंने शायद पिन किया हुआ है, ओके। तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों हमारे गिवअवे का जो हमारा तीसरा सवाल है वो क्या है, तीसरा सवाल हमारा ये है आज के मैच में मोहम्मद नाबी कितने पॉइंट्स देगा माइलियन सर्कल पर, ठीक है, माइलियन सर्कल पर मोहम्मद नाबी कितने पॉइंट देगा। तो तीन सवाल मैंने आपसे पूछे, तीनों सवालों का जवाब आप कमेंट करके आंसर कर दो, और अगर आपके जवाब सही होते हैं तो आपको आप भी प्राइज विन कर लोगे आप बड़ी आसानी से, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, और टेलीग्राम चैनल पर टॉस की बात तो हम मिलेंगे अपनी अच्छी टीम के लिए, और जैकपॉट मैच है प्लीज़ मेरे कहने पर कमा लो यार आज कमा लो, ठीक है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और लव यू ऑल, थैंक यू सो मच जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी, बताना वीडियो कैसी लगी, मैंने बीच में कल के मैच की भी बात कर ली वो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूर, लव यू।